नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर की दुनिया में। दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी प्रसार शिक्षा के पार्ट टू को लाए हैं। इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। 14वां प्रश्न है कि किसान भारती का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो दोस्तों किसान भारती का प्रकाशन होता है पंतनगर गुजरात से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न 15वां देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी नरेगा की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न कि किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन का प्रयोग किया गया वो अमेरिका में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां कि राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न कि भारत में प्रसार शिक्षा के जनक कौन है। तो दोस्तों भारत में प्रसार शिक्षा के जनक हैं के एन सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिखाई के जनक यानी फादर ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं। दोस्तों 19वां प्रश्न है कि फादर ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों फादर ऑफ लर्निंग कहा जाता है एडवर्ड थॉर्नडाइक को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं जो अमेरिकी निवासी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारण किस तिथि को हुआ। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारण कब हुआ। तो दोस्तों इसका प्रसारण हुआ 15 सितंबर 1959 को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिड डे मील की शुरुआत हुई। तो दोस्तों मिड डे मील की शुरुआत 1995 से भारत में शुरू हो गई थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल एग्रीकल्चर की दुनिया को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।